आपके अपने YouTube चैनल वाकसाड़ी गला दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आपका आज कक्षा 11वीं का इतिहास विषय का पेपर था। ओके लगातार दोस्तों मैं आप लोगों की तैयारी कर रहा था। बहुत ही आसान पेपर, बेहतरीन तरीके से पेपर आया है। ओके और जितना मैंने पढ़ा है सभी आपके इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन से आए होंगे, मॉडल पेपर से भी आपके आए हैं। ओके चलिए हम देख लेते हैं सॉल्यूशन। ये मेरे पास जो पेपर है वो 11074 वाला है, यानी सेट डी है। ओके आपके पास सेट ए, सेट बी, सेट सी और कोई सेट हो सकता है, क्योंकि आपको पता है अपने मध्य प्रदेश के हर जिले में क्या अलग अलग सेट आ रहे हैं, तो आपका अलग सेट हो सकता है। हर सेट में क्या अलग क्वेश्चन होंगे। आपके पास कौन सा सेट है कमेंट आया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ओके और उसका सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो देख लेते हैं सही विकल्प आते हैं। पहला हमारा मेसोपोटामिया की पहली ज्ञात भाषा है तो सुमेरियन हो जाएगा। ओके चंगेज खान के प्रथम मित्र का नाम था आपका बोगुरचू, इसका राइट आंसर हो जाएगा तीथ था तो तीथ एक करता। मैं ये सब आपको बता चुका हूँ, आपको क्या है वस्तुनिष्ठ मैंने कंप्लीट कराए थे। अंधकार युग तो अंधकार युग इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा, इसका दोस्तों आपको राइट आंसर लगाना है पांचवीं से नौवीं शताब्दी। ओके ये आपका हो जाएगा, ये चौदहवीं आप पांचवीं से चौदहवीं शताब्दी लगाइए। ओके क्योंकि यहाँ तक आपको गया था। ओके जैसे गोल्ड रश की घटना हुई थी अमेरिका में हुई थी और पहला फिल्म युद्ध, यही मैंने दोस्तों आपको कहा मॉडल पेपर बताया था और वस्तुनिष्ठ बताया था। ओके तो ये आपका ही हो जाता है। ओके आपका 1839 से आपका 1842। ओके आगे देख लेते हैं, आगे दोस्तों हमारे आ जाते हैं रेगिस्तान की पूर्ति करना है। तो रेगिस्तान की पूर्ति ये पहला है मेसोपोटामिया की किला काल लिपि को लेटरस ने पढ़ा, तो किसने पढ़ा था तो जेम्स प्रिसेप ने पढ़ा था। ओके जेम्स प्रिसेप ये भी मैंने आपको कह किसने बताया था वस्तुनिष्ठ में आपको आपको बताया था। ओके जेम्स प्रिसेप लिख सकते थे। अगस्टस का दत्तक पुत्र लेटरस था तो कौन था टिवेरियन था। ओके तो टिवेरियस इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके टिवेरियन इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है चंगेज खान ने संकेत दिया कि उसका तीसरा पुत्र डेडरेस उसका उत्तराधिकारी होगा, तो उत्तराधिकारी किसने कैसे बनाया इसका होगा ओगदेई खान को, ओगदेई खान को। ओके जो उसका तीसरा पुत्र था चंगेज खान का। नेक्स्ट है बड़े चर्च डेडरेस कहलाते थे तो क्या कहलाते, कैथोलिक कहलाते थे। ओके तो कैथोलिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके कैथोलिक गिरजाघर आप लिख सकते हो। नेक्स्ट है 95 थीसिस की रचनाकार हैं तो आपके मार्टिन लूथर होंगे, मार्टिन लूथर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा होपी कैलिफोर्निया के निकट रहने वाली क्या है आदिवासी। ओके आदिवासी थी तो आदिवासी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके इस बार से हमारा कंप्लीट हुआ था। चलिए आगे देख लेते हैं, सत्ता सत्ता जाते हैं और नगर का उत्खनन 1830 में हुआ बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ए बी सामंत का निवास था तो ये आपका असत्य हो जाएगा। ओके ए भी नहीं था। ओके नेक्स्ट है आपका पेटार्क को रोम की राजकवि की उपाधि दी गई तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। जन नए जनवाद की स्थापना इतने में हुई थी, ये चौथा हमारा क्या हो जाएगा, ये भी दोस्तों हमारा क्या है सत्य हो जाएगा। ओके नेक्स्ट है दोस्तों हमारा आर्थिक दृष्टि से सबसे संपन्न देश चीन है तो ये आपका सत्य हो जाएगा। ओके क्योंकि चीनी बस नहीं। ओके नेक्स्ट है कोरिया, ये वाला मैंने आपको कहा मॉडल पेपर बताया था एज इट इज आप जाकर देख लीजिएगा, इसी नंबर पर ऐसी आपका दिया हुआ। ओके तो अच्छे से जो मैं आपको बताता हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मॉडल पेपर प्रैक्टिस कराऊँ अच्छे से तैयार करते जाइए। ओके कम्प्लीट हुआ था। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है सही जोड़ियाँ तो हमें मना रहा पहला है जिमरिल तो ये हमारा हो जाएगा दोस्तों आपका मारी से। फिर एम्फोरा हमारा क्या है, एम्फोरा हमारा मटके है या कंटेनर या मटके ने मैंने आपको बताया था। ओके तो यहाँ आपको मटके लिखा हुआ तो मटके से आपको मिला देना है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा तीसरा है बुरटे, बुरटे हमारा क्या है तैमुजिन की पत्नी का नाम था बुरटे। फिर सर्फ, सर्फ मैंने आपको बताया था कि जो सामंतवादी व्यवस्था में जो किसान दास होते थे उन्हें कहा जाता तो किसान इसमें आप लगा सकते हैं। ओके नेक्स्ट हमारा अरस्तु हमारे क्या है एक दार्शनिक है। चिकोजी हमारा क्या हो जाएगा, चिकोजी का दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका इसमें हो जाएगा जीप। ओके और डकोटा हो जाएगा, डकोटा हो जाएगा हवाई जहाज। ओके कंप्लीट हो जाता है। फिर आ जाते हैं दोस्तों हमारे एक वाक्य में उत्तर, पहला कहाँ सा कौन से धातुओं का मिश्रण है तो तांबा और क्या है आपके रांगे का, तांबे और रांगे, तांबे और रांगे का जो मिश्रण होता है वो आपका क्या है कांसा से होता है। ओके जैसे पोपेस क्या है तो पोपेस हमारा क्या है एक मंदिर मदिरा व्यापारी का क्या है भोजन का छोटा, इस प्रकार से आप लिख सकते होंगे क्लियर कर लीजिएगा। नेक्स्ट चंगेज खान के पिता किस कुल से संबंधित है तो ये किस कुल के संबंधित है तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा बोर जिदगी, जिदगीद। ओके ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, बाकी आप क्लियर कर लीजिएगा। ओके ये आपका हो जाता है। नेक्स्ट हमारा माइकल एंजेलो का है, कौन थे तो प्रसिद्ध चित्रकार थे, ये भी मैंने आपको मॉडल पेपर में बताया था। ओके फिर आपको लिख देंगे प्रसिद्ध चित्रकार लिख लीजिए। ओके नेक्स्ट हमारा ऑस्ट्रेलिया की शुरुआती मनुष्य आदिम मानव को क्या कहते थे तो क्या कहते थे नेटिव कहते थे। ओके नेटिव। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी का नाम बताओ, ये भी मैंने आपको मॉडल पेपर में बताया था। ओके कैनवरा राइट आंसर हो जाएगा। टोक्यो का प्राचीन नाम, ये भी मैंने आपको मॉडल पेपर बताया था। ओके तो ये आप देख लीजिए 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट ने वो वीडियो देखी थी। ओके और मैंने आपको उसमें कम से कम 6 से 7 मॉडल पेपर बढ़ गए, बाकी जितने हैं आपके फिर वस्तुनिष्ठ में आपके क्रम से बताए थे। टोक्यो के प्राचीन नाम आप मैंने मुझसे नहीं बन रहा था उस समय तो मैंने आपको क्या कमेंट बॉक्स में कहा था, बहुत स्टूडेंट ने बताया था। ओके तो ये इस बार से आपका पेपर था, बाकी देख लेते हैं। सिंपल सिंपल पूछा गया है रोमन साम्राज्य किन किन 3 महाद्वीपों में फैला हुआ है, एकास में क्या है, फिर इसमें कुड़ताई आपसे पूछा गया है, कुबकर पूछा गया
है ये मैंने आपको बताया था, बिच्छू कैसे कहते हैं ये भी मैंने आपको बताया था। दो नंबर वाले इंपॉर्टेंट बुक है, जोहान्स गुटेनबर्ग कौन थे ये दो नंबर में आपका आ जाता है, कोपरनिकस कौन था, मानववाद क्या है, ये सभी मैंने आपको एजेंडे से दो नंबर बताया, वीडियो जाकर आप देख सकते। और ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की, कब की थी, ये मैंने आपको बताया दो नंबर में। गोल्डस्ट से क्या अभिप्राय है, नेटिव शब्द का हिंदी में आपको अर्थ बताना था, सिंपल है आपका। आधुनिक चीन के संस्थापक किसे माना था, अब ये मैंने मॉडल पेपर में आपको एक वाक्य ने बताया था, ओके एक वाक्य सन याद सेनवास आप लिख देते आपका दो नंबर हो जाता है यहाँ पक्का। ओके नेक्स्ट आपसे पूछिए, इस प्रकार से मेजी शासन के अधीन कौन सी दो सैनिक परिवर्तन हुए, ये दोस्तों देख लेते हैं। ओके फिर मेसोपोटामिया की भौगोलिक स्थिति का वर्णन कीजिए, तीन नंबर बताता, तीन नंबर में आपका ये रखा हुआ है। ओके पोम्बई से नगर की आपको टिप्पणी पूछी गई है, कोपरनिकस क्रांति पूछी गई है। ओके नेक्स्ट आपसे क्या है, सन यात सेन के प्रमुख सिद्धांत, चार नंबर बताया था, तीन नंबर में बाकी आप यहाँ पूछा गया। ओके फिर मेसोपोटामिया के शहरीकरण का महत्व पूछा गया था, मेसोपोटामिया के लेखन कला पूछे गए थे। ओके फिर इसके बाद आपको क्या पूछा जा रहा था, चंगेज खान की हर कारा पद्धति के बारे में पूछे, उसकी विशेषता चार नंबर बताया था, चार नंबर में आपका दिया हुआ है। इसमें मैंने आपको तीसरा बार किया है और इस बार की प्रमुख समस्या चार नंबर बताया था, यह चार नंबर। ओके बाकी मैं आपकी प्रैक्टिस कराई थी, इसमें नील नदी बताया था, भूमध्य सागर। ओके फिर दलदल नदी आपको मेसोपोटामिया से पता चल जाता। ओके तो ये आपके इस प्रकार से आपसे गया था। ओके तो क्या आपके कितने नंबर दोस्तों आने वाले हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ओके आपके वस्तु में कितने नंबर आने वाले हैं, आपके पास कौन सा सेट आया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करके चैनल जरूर, कोई दूसरा डाउट है कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम से ज्वाइन किया, टेलीग्राम से ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।